सो गाइज व्हाट्स अप एवरीवन, फ्रॉम मिस्टर जी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम आए हुए हैं मैत्री मोटर्स पे। जैसा कि आपकी काफ़ी हर वीडियोस पे, जब भी मैं सुपर बाइक की वीडियो लाता था उसमें आपकी डिमांड होती थी कि भाई थोड़ी बजट फ्रेंडली बाइक्स दिखाओ जो हमारे बजट में आ जाए, KTM, RC, R1। तो आज हमारे साथ है करण भैया। हेलो भैया, ये है मैत्री मोटर्स के ओनर हैं, जो हमें आज सारी शॉप्स के डिटेल्स बताएंगे और सारी बाइक्स के बारे में बताएंगे। पीछे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक खड़ा है, अभी हम इनके गोडाउन में हैं जहाँ पे सारी बाइक्स रहती हैं वैसे अवेलेबल। और तो भैया एक बार अपना इंट्रो दे दिए कि आप मोटर्स तो जानते हैं सारे व्यूअर्स। हाँ, सबको पता है, आप सबने भी देखी हुई होगी वीडियोस, व्यूअर्स हैं, बाइक लवर हैं, सब जानते हैं मैत्री मोटर्स के बारे में। अगर आपको RC, KTM, वैसे आपके भैया पास कौन सी वैराइटीज़ अवेलेबल होती है? आप देख लो कि ऑलमोस्ट सारी ही बाइक्स अवेलेबल हैं। तो वैसे आप सारी एक बार सिनेमैटिक में देख लो कि कौन सी बाइक यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। R15 V3 है, 2018 मॉडल है ये, एंड 6000 चली हुई है बाइक। और भैया इसका प्राइस क्या है? 1,15,000। गाइस देख सकते हो आप, एक बार कंडीशन देख सकते हो, मैं पास से दिखाऊंगा, कोई भी स्क्रैच नहीं है, एकदम अच्छे से अभी भी साफ हो रखी है बाइक। और अगर आपको बाइक चला के हम एक बार थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, पहले भी सारे प्राइस जान लेते हैं। और भैया इसके साइड में जिक्सर, ये 2018 मॉडल है, अभी जस्ट अभी परचेज किया है, एंड ABS में है, ABS वेरिएंट है जी। और इसका क्या प्राइस होगा? ये आपको पड़ेगी 75,000 की। ये 75,000 की पड़ेगी गाइस आपको। और भैया नहीं, एकदम न्यू अगर हम बाइक ले शोरूम से, ये तो कितने 120 अराउंड है इसकी बिलिंग। 120 गाइस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है प्राइस में, और फिर भी अभी भी आप कंडीशन, सिक्स मंथ ओल्ड बाइक है, सिर्फ 6 मंथ। और कितने 1000 किलोमीटर चली होगी ये? सर ये जी आपकी अराउंड 4 to 5 है। ओके, तो आते हैं KTM की तरफ, जो यहाँ पे 3 KTM खड़ी हैं। तो गाइस अब बात करते हैं KTM की प्राइस जान के। तो ये जो ये वाली KTM पड़ी है, ये 2017 मॉडल है, 2017 जी। और बाइक 7000 चली हुई है। और प्राइस क्या होगा इसका आपने जो रखा है? ये 135। और जो इसके साइड में ये है 1 lakh, ये 2018 मॉडल है, एंड प्राइस इसका 160 हमारी डिमांड है, और नेगोशिएबल है प्राइस। तो गाइस मतलब प्राइस सारे नेगोशिएबल है, आप अफोर्डेबल जब आओगे तो बात कर सकते हो कि कितना प्राइस बनेगा। और जो ये वाली KTM, ये भी 2017 मॉडल है, 1,35,000 का है। और अगर हम ये न्यू लेने जाए तो उसका प्राइस क्या होगा? अराउंड 225 अराउंड नया आ रहा है अभी। 225, काफ़ी ज़्यादा हद तक प्राइस में डिफरेंस आया है। और आप कंडीशन देख सकते हो, बाकी हमने सिनेमैटिक में देख ली होगी। तो गाइस अब ड्यूक के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पे खड़ी ये है। 2016 मॉडल है, एंड ये हमारी 95,000 की है। अच्छा, 95,000। और कितने हज़ार किलोमीटर चली होगी? 10,000 किलोमीटर चली है, 10,000 किलोमीटर चली है वैसे। और देख सकते हो इसमें बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम पास से दिखा रहा हूँ आपको। इसमें पूरा लाइट्स का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, अराउंड 8,000 to 10,000 रुपीज़ इसके ऊपर स्पेंड किए कस्टमर ने। गाइस लाइट देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो आपको आँखों में घूर रही है, काफ़ी अच्छी लाइट्स लग रही है। कम से कम 8 to 9,000 की तो सिर्फ लाइट्स है, और बाकी बाइक भी पूरी क्रीम कंडीशन में एकदम। अगर आप चाहते हो बाइक खरीदना तो मैं शॉप की सारी डिटेल्स दे दूँगा, एक बार भैया से कॉन्टैक्ट जरूर करना। बाकी जो साइड में अपाची और डोमिनार खड़ी है, एक बार उसके बारे में बता। 2014 मॉडल है ये अपाची, एंड डोमिनार जो हमारी 17 मॉडल है ABS वाली। और दोनों का प्राइस क्या होगा? अपाची का प्राइस हमारा 40,000 है, एंड डोमिनार जो है 1 lakh की है। अच्छा,
अपाचे 40,000 एंड डोमिनर 1 लाख. तो इस लाइन में बाइक्स खड़ी हैं, पल्सर और ये सब, इनके बारे में बात करते हैं. ये FZ 250 है मेरे पास अवेलेबल, NS है, ABS में ब्रांड न्यू बाइक है बिल्कुल, 18 मॉडल है, ये 17 है और वो पल्सर 220 18 मॉडल बाइक्स हैं. तो ये वन की प्राइस बता दीजिए. ये 85,000 की है एंड NS ये है 90,000 की, ABS मॉडल है, 18 मॉडल एंड 220 18 मॉडल है, 75,000 की डिमांड है. उसमें हमारे पास 17 मॉडल भी अवेलेबल है 65,000 में. okay. जी एंड आप R15 ब्लू, अगर आप ब्लू कलर्स आपको पसंद है तो 2000 किलोमीटर चली जस्ट बाइक हमारे पास अवेलेबल है. और ये प्राइस क्या होगा इसका? 120. 120. और उसके साइड में ड्यूक खड़ी है, 2018 मॉडल है, KTM ड्यूक एंड गाड़ी सिर्फ 6,000 चली हुई है. और प्राइस की बात करें 130 हमारा आस्किंग प्राइस है उसका. और जो उसके साइड में KTM भी खड़ी है, RC390 है वो. RC390 जी. उसका क्या प्राइस होगा भैया? RC390 110,000 की है. 110,000 जी. गाइस प्राइस सारे नेगोशिएबल है, एक बार आके आप ऑन टेबल बात कर सकते हैं भैया से. तो गाइस हम गोडाउन की सारी बाइक्स बताने के बाद, प्राइस बताने के बाद हम बाहर आ चुके हैं. यहाँ पे भी काफ़ी सारी ड्यूक्स खड़ी हैं, न्यू मॉडल्स खड़े हैं जो अभी अभी शॉप पे आए हैं, अभी अभी कस्टमर बेच के गए हैं. तो इनके प्राइसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इनके सिनेमैटिक भी आपको दिखाता हूँ. ये तो 2018 मॉडल है अपाची, जस्ट 2000 चली हुई है. बाइक की कंडीशन आप देख लो, टोटली ब्रांड न्यू बाइक है. लाइक अगर आप नई बाइक खरीदना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आप नई बाइक है. पूरी और इसका प्राइस की बात करें अगर हम, 75 हमारी आस्किंग प्राइस है. 2018 मॉडल है, इसके ऊपर ये आपका पूरा जो है स्टीकर किट जो है स्पोर्ट्स की लगी हुई है, पूरी स्पोर्ट्स मॉडल की लगी हुई है. और इसकी प्राइस की बात करें 130,000 भैया. अगर हम इस KTM तो ये 2019 मॉडल है, ये 2019 बिल्कुल जी. 2019 मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है. और इसकी प्राइस क्या है, कितने हज़ार किलो? ड्यूक 125 है और डिमांड हमारी इसकी जो है 1,15,000 है. 4,000 चला है, 4,000 चली है गाइस ये बाइक. और 1,15,000 आस्किंग प्राइस है. और प्राइस सारे नेगोशिएबल हैं, एक बार आके आप शॉप पे विजिट जरूर करें. और इस RC के बारे में बात करें, RC 200 है, ये 19 मॉडल है. हाँ विद ये नए वर्जन में ब्लैक कलर में आती है जो नई आई थी, ब्लैक वाइट ऑरेंज. और ये कितने 700 चली है, 700. और इसका प्राइस, ये प्राइस हमारी 180 की. और अगर हम इस 2016 मॉडल है ये RS. हाँ जी, 10,000 किलोमीटर चली हुई है. इसकी प्राइस की बात करें तो, एंड ये 75,000 की हमारी. और अगर हम ये R1 की तरफ आए, R1 भी 2018 मॉडल है, टोटली नई कंडीशन बाइक है. अब बाइक को एक व्यू कर लो, बिल्कुल टोटली नई है. मैं आपको पूरा वॉक अराउंड दिखाता हूँ इसका. और जो है इसकी प्राइस की बात करें तो, प्राइस इसका 1,15,000. अगर इसके बारे में FZ 25 के बारे में बात करें, FZ 250 ABS मॉडल है, अभी मार्केट में 1 EPS अवेलेबल है और जो शायद अभी भी किसी के पास अभी आया नहीं है. हाँ नई बाइक है बिल्कुल, अभी कंपनी से रैप्ड है बिल्कुल. और इसकी प्राइस की बात करें अगर हम भैया, ये 1,30,000 की पड़ेगी आपको, जिसका कि बिलिंग प्राइस 1,60,000 है. 30,000 लेस पे आपको मिल रही है एंड एक महीना भी नहीं चली हुई अभी, बिल्कुल एक महीना, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है भाई. तो हम पल्सर NS 200 के बारे में बात करें तो अभी देखते हैं, बाइक खड़ी है बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, कहीं पर भी स्क्रैचेस नहीं है ज़्यादा. और जब बाइक आपको डिलीवर होगी तो भैया पूरी साफ करके उस पर वैक्स लगा के सब बिल्कुल जी, बाइक आपकी इसमें अभी सर्विसिंग क्लीनिंग का सब कुछ करवा के हम लोग देते हैं बाइक की. और इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो, ये 70,000. और कितने हज़ार किलोमीटर चली होगी भाई? 16,000 चली है विद सर्विस रिकॉर्ड, रिसेंट सर्विस हुई है बाइक की. सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आपको मिड बजट बाइक्स दिखा को लेके, KTM दिखाई, RC दिखाई, पल्सर दिखाई, काफ़ी हद तक बाइक्स दिखाई. अब जो भैया के पास स्टॉक काफ़ी सारा है, सारा कवर करना पॉसिबल नहीं होता है एक ही वीडियो में. इसके अलावा भी भैया आपके पास काफ़ी सारा स्टॉक है, काफ़ी सारा बाइक्स हमारे पास. एक अदर शॉप है हमारी, ओल्ड शॉप है पुरानी, काफ़ी वीडियोस में आपने देखी होंगी, वहाँ पे हम नहीं गए आज मंडे की वजह से, वहाँ पे आपने करो. बाकी गाइस ये शॉप जो है सर्टिफाइड शॉप है, ये एक बार अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखा दीजिए आप व्यूअर्स को. सर्टिफिकेट है आपको, मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको जो बाइक्स मिलेगी वो फुल्ली एश्योर्ड होगी, वो भैया की खुद की बाइक्स होगी, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा. ये भैया आपको एश्योर करके देंगे. अगर आप कंपनी चेक कराना चाहे बाइक्स, वो भी करा सकते हैं ना लोग, कोई दिक्कत नहीं है. आप रख दीजिए. बाकी गाइज अगर आपको कोई सी भी बाइक पता करनी है तो भैया का एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप भैया से पूछ सकते हो. और भैया आपके जो नंबर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ. बिल्कुल
फुल इंस्टाग्राम का मैं आपको आईडी दे देता हूँ, आप उसमें डाल दो, चाहे मैं मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज, जल्दी रिप्लाई मिलेगा आपको एकदम, इंस्टेंट रिप्लाई मिले ना मिले फिर भी उस दिन या अगले दिन तक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको सीरियसली बाइक खरीदनी है तो आप शॉप पे विजिट कर सकते हैं, मैं गूगल मैप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप अब बताइए आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, और भी है कि शायद से स्कूटी के डीलर भी हैं आप, स्कूटी में डीलिंग करते हैं, स्कूटी की शॉप है, आप अगर स्कूटीज के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हैं। तो भैया आप एक बार इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको स्कूटीज देखनी है, तो हम स्कूटी भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।